अजय नदी की जलीय स्थलाकृतियां। अजय नदी की उत्पत्ति 300 मीटर की ऊंचाई से देवघर के दक्षिण झारखंड से हुआ है। आए पश्चिम बंगाल में यह नदी चितरंजन के सिमजूरी गांव के नजदीक आती है। अजय नदी की कुल लंबाई लगभग 288 किलोमीटर है। आए यह नदी कठुआ के नजदीक स्थित भगीरथी नदी से मिल जाती है। इसकी कुल अपवाह प्रणाली क्षेत्रफल 6000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में पथलू एवं जयंती है। इसकी ऊपरी अपवाह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है, जहां लेटराइट मिट्टी की प्रधानता है, जबकि बर्धमान के उसक्रम में यह नदी समतल भूभाग में बहना शुरू करती है। जलगतिकाएं नदी के किनारों अथवा निकली सतह पर परिपत्र या बिलनाकार छेद है, जो पानी और घर्षण के बल द्वारा उत्पादित है। इसके निर्माण में चट्टानी संधियों एवं जल गतिक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चूंकि अजय नदी में ग्रेनाइट जैसे चट्टानों की अधिकता है, जिसके कारण यहां जलगतिकाओं की भरमार है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस जलगतिका में बेसाल्ट चट्टान की संधियों के सहारे जलगतिकाओं का निर्माण किया है, एवं बहुत सारे चट्टानों में यह बनने की प्रारंभिक अवस्था में है। इन जल गतिकाओं में चट्टानी टुकड़े फंसे हुए होते हैं, जो दरअसल में जल गतिकाओं की गहराई को बढ़ाने में मदद करती है। आए जल क्षिप्रकाय जल प्रवाह की सतह से ऊपर उजागर हुए कुछ चट्टानों के साथ नदी में पाए जाते हैं। इसमें चट्टानों के ऊपर और चारों ओर पानी बहता है। हवा के बुलबुले इसके साथ मिश्रित हो जाते हैं और सतह के कुछ हिस्से को एक सफेद रंग प्राप्त होता है, जिसे व्हाइट वेटर कहा जाता है। जल क्षिप्रता के नीचे बिस्तर सामग्री अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। ठोस चट्टानों में बहने वाली बहुत छोटी धाराओं में उनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। जल क्षिप्रकाय जल के वायु प्रवाह के कारण बेहतर पानी की गुणवत्ता वाली होती है। जल क्षिप्रकाय एक नदी के वर्ग है, जहां नदी की तरफ एक अपेक्षाकृत खड़ी ढलान है। इसकी तीव्रता एक ऋणात्मक पैमाने से होती है, जिसमें से एक सबसे अधिक 9 और 8 कम से कम ढाल वाला है, जिससे जल वेग और अशांति में वृद्धि हो सकती है। इस हिसाब से अजय नदी में पाए जाने वाले अधिकतर जल क्षिप्रकाय वर्ग एक के हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जल क्षिप्रकाय अजय नदी के बीच में दिखाई दे रही है, जो ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर विकसित हुए हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये अजय नदी है और अभी मौसम या महीना मानसून ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म हो चुका है। पोस्ट मानसून काल ये चल रहा है और इसके अपर कैचमेंट एरियाज़ में बहुत सारे या बहुत मात्रा में बारिश हो रही है, और वही बारिश का पानी संग्रह करके ये नदी इधर लेके आ रही है। सूखे के मौसम में यहाँ पर इतना पानी भी नहीं होता है कि कुछ मटेरियल्स को ढो के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा पाए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सक रहे हैं कि पानी का जो रंग है वो मटमैला है, अर्थात इसमें डिजोल्व मटेरियल्स की मात्रा बहुत अधिक है, और इसका यही कलर ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसमें डिजोल्व मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें जो ऊपर में पानी जो कैरी कर रहा है, जो डिजोल्व मटेरियल घुले हुए हैं, जो मटमैला कलर का ब्राउन कलर का दिख रहा है, भूरा कलर का दिख रहा है, इसके निचली सतह पे अवश्य ही बालू कंकड़ पत्थर वगैरह भी जा रहे होंगे और वो लुढ़कते हुए जा रहे होंगे। इस तरह से बोल्डर को गोल गोल घूमते हुए जा बड़े पत्थर जो हैं वो नीचे में घूमते हुए जा रहे होंगे। उसके ऊपर जो है उससे कम मोटाई वाले या गुलाई वाले जो पत्थर हैं उसके ऊपर रहेंगे, और जो सबसे कम जो हैं वो सबसे ऊपरी वाला भाग में पानी में टंगा हुआ बहेगा। तो ये इस प्रोसेस से जियो हाइड्रोडाइनिक्स में ये नदी काम कर रही हैं। हम लोग उस पॉइंट पे देख सकते हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कैरी करके जा रहे हैं। यदि यही पानी ख़त्म हो जाए तो हम लोग वहाँ पे जो काम हुआ है, जो नदी के जल की मात्रा द्वारा जो काम वहाँ पे हुआ है, उसको हम लोग देख पाएंगे पोर्ट होल्स और रिपीट्स के रूप में।
क्योंकि ये पानी से लबालब भरा हुआ है, तो यहाँ पे पोर्ट होल्स नहीं दिख रहा है। जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा शुष्क मौसम में, तब यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पोर्ट होल्स वगैरह दिख पाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग जल छिप्रिकाएँ ही देख पा रहे हैं। बालुका धारियां, धारीदार बालुका जमाव, जलीय लहरें सीधे क्रॉस लाइनें उत्पन्न करती हैं, जो सभी एक ही दिशा में डुबकी लगाती रहती हैं। लहरों के इन रूपों का निर्माण जलीय तरंगों के एक ही दिशा में कार्य करने से होता है। अजय, नदी में बालुका तरंगों का निर्माण मुख्य चैनल के किनारे एवं अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले स्थानों पर होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कम गहरा एवं जल के बहु दिशाओं में कार्य करने के कारण इनका निर्माण हो रहा है। बालुका स्तर नदी घाटियों में बालुका स्तर का निर्माण के कई कारण होते हैं, जिसमें स्थानीय रॉक स्रोतों और स्थितियां रेत की संरचना इत्यादि होती है। रेत का सबसे आम घटक सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसा ही दो कोष्ठक है, जो आमतौर पर क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। दूसरी सबसे आम प्रकार की रेत कैल्शियम कार्बोनेट है, जो अजय नदी में काफी कम पाया जाता है। यह एक अहम निर्माण सामग्री है, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर बहुतायत होता है। तट कटाव, चूँकि इस नदी घाटी में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है, इसीलिए यहाँ आसानी से तट कटाव नहीं हो पाता है। छल गतिक्रिया की सहायता से जल नदी निकली एवं किनारों का क्षरण करने की कोशिश करती है, किंतु मिट्टी न होने के कारण आसानी से कटाव नहीं कर पाती है, जबकि इसी प्रक्रिया के द्वारा ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने फूटने से सिलिकायुक्त बालू का निर्माण अवश्य होता है। अजय नदी का अस्तित्व सदियों से है, इसी कारण लगातार जलीय कार्य के चलते मुख्य नदी की गहराई काफी अधिक हो गई है। नालिकाएं नलिकाओं का निर्माण एक सूक्ष्म जलीय प्रक्रिया है, जिसके निर्माण में संरचना एवं जलीय मात्राओं का प्रभाव पड़ता है। ये नलिकाएं मुख्य नदी चैनल के दोनों किनारों की तरफ से लंबवत रूप से मिलती है। अंत में हम कह सकते हैं कि अजय नदी एक वर्षा वाहिनी नदी है, जो केवल वर्षा ऋतु में अधिक सक्रिय रहती है एवं इसी मौसम अर्थात मानसून काल में अत्यधिक जलीय कार्य संपन्न होती है। ग्रीष्म काल में यही नदी एक पतला चैनल में बदल जाती है, फलस्वरूप इसकी काम करने की क्षमता नगण्य हो जाती है। आए जोग्राफिया को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपके मानसिक पटल को स्पर्श किया होगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप में और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।